क्या गायू ने अपना प्यार दिया जी आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट बट दिवाली में देयर इज अ बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है. स्टोरी हमारी बहुत एकदम से मतलब यू नो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग विच हैज स्टार्टेड एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें भी करने में एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस आर गोना लव इट. अच्छा वैसे गायू के दिमाग में कैसे है कि नायरा को ये इसके लिए आपको सच में शो देखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. अगर मैं बताने जाऊँगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा, देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा एंड या सुपर एक्साइटेड टू डू इट. प्रेपरेशन ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि सब जगह हमने कंदिल लगाए हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज़ दैट हम यहाँ पे हर फेस्टिवल इतने ग्रैंड तरीके से मनाते हैं, इतनी मेहनत रहती है पूरे क्रू की, पूरी कास्ट की, कि हमें भी और ज़्यादा मन करता है कि हम अपना बेस्ट डालें. सो यस, अभी दिवाली है सो इट हैज़ टू बी अ वेरी ग्रैंड इवेंट एंड हर जगह कंदिल लगाए, लाइट्स हैं, सबकी इतनी ब्यूटीफुल ड्रेसेज है. मुझे तो सच में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही देखने में रहता है कि आज सेट कैसे तैयार होगा या यू नो आज सब कैसे रेडी होंगे, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है. अच्छा वैसे जो भी आपने किया नायरा के लिए तो उसके लिए घर के बड़े सभी खुश हो गए? जी हाँ, सब बहुत ही खुश है एंड आई एम श्योर उससे ज़्यादा खुश आई गेस कायरा फैंस होंगे. घर वाले तो बाद में खुश होंगे, मुझे कायरा फैंस काफ़ी खुश होंगे एंड या आई मीन आगे गायू का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. गायू का भी कुछ होगा, सो या यू हैव टू वेट फॉर दैट. थैंक यू. मुझे घर में काफ़ी अच्छी दिवाली सेलिब्रेशन हो रही है, कितना मजा कर रही है दिवाली प्रिपरेशन कर रही है. शिवांगी या नायरा? शिवांगी बहुत खुश है. इतना सुंदर सा शिवांगी ने ड्रेस पहना है, इंडो वेस्टर्न ये लहंगा पहना है, सिंपल सा बन बनाया है, सुंदर सुंदर इयर रिंग्स पहने हैं. सो शिवांगी तो बहुत खुश है. और बात रही नायरा की तो नायरा बहुत दुखी है क्योंकि नायरा का प्यार नायरा से हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है. नायरा का प्यार जो है कार्तिक का रिश्ता गायुदी से पक्का होने जा रहा है और मैं ही चाहती थी कि कार्तिक गायुदी को हाँ कर दे शादी के लिए, पर अब मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आई लव हिम और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे कभी भी दूर जाए क्योंकि मैं यही चाहती थी कि हम एक हो जाएं और यू नो हम खुशी खुशी रहें. पर जब से पता चला है कि गायुदी कार्तिक से प्यार करती हैं तो अब मैं भी यही चाहती हूँ कि यू नो कार्तिक और गायुदी साथ में हो जाए बिकॉज गायुदी ने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और अब मैं नहीं चाहती कि उनसे और कुछ छिने. सो वो खुश रहें तो इसलिए मैंने अपने प्यार का त्याग करने की ठान ली है, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि शायद कार्तिक इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, लेकिन उसे कन्विंस भी मैं ही कर रही थी कि वो हाँ कह दे. पर अब जब उसने हाँ कह दी है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है. मगर फाइनली दिवाली का आपको भी तोहफा नायरा को मिल ही जाता है जब गायू पूजा. अच्छा हाँ, दिवाली का बोलते ना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. सो आई एम श्योर नायरा ने अभी तक ऐसा कुछ बुरा किया नहीं है और ना ही गायुदी ने, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा. और वो तोहफा क्या है वो तो आपको देख के पता ही चल जाएगा. ऑफ कोर्स नायरा को तोहफा मिलेगा. जैसे दोनों बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि दोनों अपना अपना प्यार त्यागने को तैयार हैं. ऑब्वियसली सिस्टर लव और बहन है, बहन के लिए तो कुछ भी कुर्बान, तो फिर ये तो क्या चीज़ है. तो क्या अब नायरा कार्तिक एक्सेप्ट करेगी या गायू के लिए वो कहेंगे नहीं गायू भी आप कहिए? नायरा ने अपनी तरफ से तो सारे रास्ते बंद कर दिए कार्तिक के लिए और नायरा खुद चाहती है कि कार्तिक गायुदी से शादी कर ले क्योंकि वो गायुदी को खुश देखना चाहती है. थैंक यू.